जो असुविधाएं हो रही है दलित परिवारों को जब अपने जिला हेडक्वार्टर जाने में, मैं उनको चेतावनी देता हूं, यदि 3 महीने के अंदर उन्होंने सड़क नहीं बनवाया, मैं अपने एमपी लैंड फंड से तो बनवा ही दूंगा, उनको मैं इस जिले में नहीं रहने दूंगा। मैं इन्हीं दलित परिवारों के साथ मैं उनके कार्यालय जाकर मैं बता दूंगा कि जनता की ताकत ने ब्रिटिश साम्राज्य को भगा दिया, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोगों को तो हम निमट लेंगे अपनी जनशक्ति से। 3 महीने में सड़क को ठीक करे या जिला छोड़कर जाए, नहीं तो मैं जिला छोड़वा दूंगा उनको। जिलाधीश महोदय को अनेक बार कहा गया कि उस सड़क का निर्माण करें, उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो वो दलित बस्ती है और दूसरा बड़ा कारण है कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। दोनों कारणों से सड़क का निर्माण आवश्यक है और जिलाधीश ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये महीनों से प्रयास के बावजूद नहीं देने के कारण मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता दलित विरोधी मानसिकता है। यदि सेठ साहूकारों की नगरी होती तो जिलाधीश शायद रोड बना देते। मैं उनको चेतावनी देता हूं कि 3 महीने में यदि सड़क नहीं बनती है तो फिर मैं आंदोलन का रास्ता अपनाऊंगा, उन्हें जिला छोड़ने के लिए मैं बाध्य करता हूं। बात मेरी बात मानने का सवाल नहीं उठता है। जनप्रतिनिधि का काम है जनता के मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना। यदि वे लोकतांत्रिक तरीके से जन आवाज को नहीं सुनते हैं और उसे क्रियान्वित नहीं करते हैं, मुझे घोर आपत्ति इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार की प्राथमिकता दलित रहे और नक्सलवाद को समाप्त करना रहे। इन दोनों का ही प्रभाव वहां पर है और उसके बावजूद भी सड़क नहीं बनी।